अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 कंप्यूटर चैप्टर 3 इंट्रोडक्शन टू एमएस एक्सेस 2007 पेज 35। इन टुडेज वर्ल्ड वेर एवरीथिंग इज गेटिंग डिजिटाइज्ड, स्टोरिंग डेटा एंड रिट्रीविंग इन्फॉर्मेशन एफिशिएंटली हैज़ बिकम वेरी नेसेसरी। अभी सब कुछ डिजिटाइज्ड हो गया है तो स्टोर करना डेटा और रिट्रीव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और डेटा और इन्फॉर्मेशन को हम लोग ऐसे मेंटेन करते हैं जो आराम से हम लोग डे टू डे ऑपरेशन में यूज़ कर सकें, और डेटा को हम लोग स्टोर करते हैं ताकि आराम से रिट्रीव कर सके और उसको अपडेट कर सकते हैं। इफ़ एनी चेंजेस इज मेड इन द डेटा वी कैन ईजिली अपडेट एंड वी कैन ईजिली गेट द डेटा फ्रॉम वेर एवर वी रिक्वायर। इन एडिशन टू स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑफ डेटा मेनी अदर ऑपरेशन आर नीडेड टू बी परफॉर्म्ड ऑन द डेटा सच एज एडिंग डेटा, अपडेटिंग डेटा एंड डिलीटिंग डेटा। स्टोरेज और रिट्रीवल के अलावा बहुत सारा ऐसा ऑपरेशन है जो डेटा पे हम लोग करते हैं, जैसे कि कुछ ऐड करना हो डेटा, अपडेट करना हो, डिलीट करना हो। ये सब ऑपरेशन परफॉर्म होता है बाय यूजिंग अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दैट इज़ DBMS। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज़ द मोस्ट कॉमन एंड ईजी टू यूज़ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक इज़ डेटाबेस एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेफिनेशन ऑफ डेटाबेस एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। डेटाबेस, डेटाबेस को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड और सिमिलर डेटा या इन्फॉर्मेशन जहाँ से यूज़र आराम से रिट्रीव कर सके डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन। तो डेटाबेस कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स डेटा होता है, जैसे कि स्टूडेंट डेटा में हम लोग उसका रोल नंबर, स्टूडेंट का नेम, डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हैं। एम्प्लॉयज़ डेटा भी वैसे ही होता है, लाइक एम्प्लॉय ID और नेम। तो वी कैन ईजिली स्टोर द स्टूडेंट डेटा और द एम्प्लॉय डेटा इन अ डेटा बेस। एक बार डेटा बेस क्रिएट हो जाता है तो बहुत सारा ऑपरेशंस है जो परफॉर्म्ड होता है डेटा बेस पे, जैसे कि क्रिएट करना, ऐड करना, मॉडिफाई करना कुछ डेटा। तो वो किसकी मदद से होता है, वो होता है डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम से। तो डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम को हम लोग डिफाइन करेंगे एज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम जो हेल्प करता है क्रिएट और मैनेज करना डेटा बेस को। तो कुछ पॉपुलरली यूज DBMS है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, DBase। नेक्स्ट टॉपिक इज डेटाबेस मॉडल। डेटाबेस मॉडल रिफर टू द वे ऑफ डिज़ाइनिंग अ डेटाबेस। कैसे हम लोग एक डेटाबेस को डिज़ाइन करेंगे और उसमें इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे। तो 3 टाइप्स ऑफ डेटाबेस मॉडल्स आर अवेलेबल, हायरार्की, नेटवर्क एंड रिलेशनल। जो बहुत कॉमनली यूज होता है वो है रिलेशनल डेटा मॉडल। तो रिलेशनल डेटा मॉडल में इंफॉर्मेशन स्टोर होता है टेबल की शक्ल में, यानी कि यहाँ पे आप आराम से इसको रिफर कर सकते हैं कि ये क्लास का इन्फॉर्मेशन है जिसमें क्लास ID, क्लास नेम और इंस्ट्रक्टर नेम इज़ गिवन। तो 001 क्लास में कौन सा क्लास हो रहा है, वेब डिज़ाइन, और कौन ले रहा है, बिल गेट्स। सिमिलरली फॉर 002 एंड 003। तो इन दिस वे वी कैन ईजिली क्रिएट अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो दिस इज़ कॉमनली यूज्ड। नेक्स्ट टॉपिक इज बेसिक कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ DBMS। द बेसिक कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ DBMS आर फील्ड, रिकॉर्ड एंड टेबल। फील्ड में एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कोई भी आइटम के बारे में रहता है, एंड रिकॉर्ड कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल रिलेटेड फील्ड्स। यानी कि रिकॉर्ड्स में देखें, दे हियर द 3 फील्ड्स, ये 3 फील्ड मिला के एक रिकॉर्ड बन रहा है, ठीक है। तो दीज आर रिकॉर्ड्स। और टेबल होता है मल्टीपल रिकॉर्ड्स, ये 3 फील्ड का एक रिकॉर्ड बना है। ऐसे बहुत सारा रिकॉर्ड बनेगा और वो सब रिकॉर्ड मिल के एक टेबल बनेगा। तो DBMS में जो रोज होता है उसको हम लोग रिकॉर्ड्स बोलते हैं, और जो कॉलम्स होता है उसको हम लोग फील्ड बोलते हैं। तो दिस इज द रिकॉर्ड्स एंड फील्ड्स इन अ टेबल।